और आज मतलब एक तरह से दो कार्य आपने शुरू किए कि एक तो तिरंगा की शान हमेशा ऊंची रखेंगे और अपने घर में स्थापित करेंगे। हमें लगता है ये भी ये कार्य है जो मानवता भलाई के रूप में आपने यानी एक देश हित में आपने शुरू किया है। जी तो आप सबके हाथ खड़े हैं, तो इस तरह से तो फिर ये शायद 142 कार्य हो गए और 142 का जोड़ भी आप लगा सकते हैं। सो आज 142 कार्य हो गए हैं, तो ये कार्य भी आपका कि अपने घर में तिरंगा स्थापित करेंगे पर उसकी इज्जत भी करेंगे, ये ना पैरों में रुले ऐसा नहीं होना चाहिए, ये पूरा ध्यान रखिएगा। छोटा सा तिरंगा झंडा आपके हाथों में हमें नजर आ रहा है, छोटे 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 छोटे, तो इसको अपने कहीं भी ऐसी जगह भी लगाएं या फकर से आप सैल्यूट कर सकें, ना कि झुक के आपको कुछ करना पड़े, यानी ऊंची जगह रखें। हमारा ये नजरिया है, बाकी आप लोग जाने या जैसे हमारा कानून है उसके अकॉर्डिंग फॉलो कीजिएगा, पर हमें ये लगता है कि ऐसी जगह जरूर स्थापित कीजिए या फकर से सैल्यूट करें इस झंडे को, क्योंकि इस झंडे ने बड़ी कुर्बानियां झेल के हमारे हाथ आया है। पता नहीं कितने शूरवीर कितने स्वतंत्रता सेनानी इसके लिए कुर्बान हो गए, तब जाके ये झंडा ऐसे लहराया है जो आज आप लहरा रहे हैं। तो देशभक्ति के जज्बात हमेशा बुलंद रखने, तो आज दो कार्य शुरू हो गए, तो इस तरह 142 कार्य हो चुके हैं। तो आप अभी भी लहराए जा रहे हैं, वहां भी बड़ा झंडा भी लहरा रहा है और छोटे छोटे झंडे जो बड़े प्यारे लग रहे हैं, तो उसको बड़े आसानी से आप अपने घर में हमें लगता है कि आप इसे यहाँ कोई मिलने वाला आता है ड्राइंग रूम कहते हैं या डाइनिंग रूम कहते हैं, वहां जरूर लगाना चाहिए चीज, जो कोई मिलना आए आपको उसको लगे हाँ भाई देशभक्त का घर है। जिएंगे मरेंगे मर मिटेंगे देश के लिए, जिएंगे मरेंगे मर मिटेंगे देश के लिए, बूंद बूंद गूंज की अमरी देश के लिए, बूंद बूंद गूंज की अमरी।